नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है कहना नहीं अब करना भी है। मेरे लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आकृति का 5 वर्षीय बेटा अंश स्कूल से वापस आया। आकृति ने उसे नहलाकर लंच करवाया, फिर थोड़ी देर बाद वो सो गया। फिर आकृति अलमारी में कपड़े रखने लगी, तभी उसकी नजर अपने शादी के फोटो एल्बम पर पड़ी। उसने एल्बम निकाला और एक एक करके सारी तस्वीरें देखने लगी। दुल्हन के रूप में अपनी तस्वीर देखकर उसे शादी का समय याद आने लगा। वह सोचने लगी, कितनी दुबली पतली हुआ करती थी मैं, और आज देखो शरीर कितना भारी हो गया है, और डिलीवरी के बाद से पेट भी निकला ही रह गया। उसने उदास मन से एल्बम को बंद करके वापस रख दिया और घर के बाकी कामों में मन लगाने लगी। शाम को आकृति का पति सुधीर घर आया तो आकृति ने बातों ही बातों में उसे बताया कि आज मैंने हमारी शादी की फोटो देखी, उस समय कैसी थी मैं, और आज देखो मेरा शरीर कितना बेडोल हो गया है। सुधीर ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए कहा, हाँ तो लापरवाही भी तो तुम्हारी ही है ना। डिलीवरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट ने तुमसे योगा करने को नहीं कहा था, तब तो तुम हजारों काम बताकर योगा करना टालती गई, तो यह हाल तो होना ही था। सुधीर की बात सुनकर आकृति बिफर पड़ी और बोली, आप जो भी कह रहे हैं वो बात मैं भी जानती हूँ, और मुझे पता है कि योगा ना करने की वजह से ही मेरे शरीर की ये हालत हो गई है, लेकिन सिर्फ कहना ही आसान होता है। आप बताइए, आप तो ऑफिस चले जाते थे और पीछे से अंश को संभालने की जिम्मेदारी मेरी होती थी, उसमें मुझे समय ही कहाँ मिलता था। भले ही घर के कामों में मेरी कोई कितनी भी मदद कर देता था, लेकिन उस समय अंश इतना छोटा था कि वह पूरी तरह मुझ पर ही निर्भर रहा करता था, फिर मैं अपने लिए कैसे समय निकाल पाती। सुधीर ने उसका गुस्सा देखा तो मोबाइल को बगल में रखकर प्यार से उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ बाबा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, उस समय तुम्हें जरा भी वक्त नहीं मिला, लेकिन अब तो खुद के लिए वक्त निकाल लो। अब तो अंश स्कूल पे जाने लगा है, मैं मानता हूँ कि अब भी तुम्हारे ऊपर ढेरों काम और ढेरों जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन यह जिम्मेदारियाँ कब खत्म होगी तुम ही बताओ। जब तक तुम्हें खाली समय मिलेगा तब तक तुम्हारा शरीर क्या इस लायक रहेगा कि तुम कुछ भी कर पाओ, इसलिए अभी खुद के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालना शुरू करो। मुझसे भी जितना हो सकेगा उतना तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। आकृति ने सुधीर की बातों को ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। उसने सुधीर की बातों से सहमत होते हुए कहा, लोग कहते हैं कि कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम कुछ ठान लें तो वही मुश्किल काम धीरे धीरे आसान बन जाता है। मैं भी अब अपने लिए वक्त जरूर निकालूंगी। यह हुई ना बात, चलो इसी बात पर कल से अंश को स्कूल जाने के लिए मैं तैयार कर दूंगा, और जो भी समय बचे उसमें तुम खुद के लिए कुछ करना, सुधीर ने खुश होते हुए कहा। आकृति भी खुशी खुशी आने वाले नए दिन का इंतजार करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।